हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर फ्रॉम योर एसएस कॉन्वेंट स्कूल भुपियामऊ प्रतापगढ़। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, डेली वीडियोस देख रहे होंगे, डेली पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भी जो भी चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। ये जीके की बुक है और ये क्लास सिक्स के लिए है, तो क्लास सिक्स अपनी किताब खोल लें और मेरे साथ पढ़ाई करें। तो चलिए देखते हैं, आप थर्ड चैप्टर तक आपका कंप्लीट हो चुका है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। आपका फोर्थ चैप्टर है अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एनिमल्स। जानवरों के बारे में कुछ आश्चर्यजनक फैक्ट आपको इधर पढ़ने हैं, कुछ आश्चर्यजनक बातें पढ़नी है। ये आपका चौथा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। पहला है अ साउथ अफ्रीकन वीवर बर्ड्स। नेक्स्ट इज अबाउट 4 मीटर डीप एंड 7.5 मीटर लॉन्ग। जो साउथ अमेरिकन वीवर बर्ड्स होती हैं, उनके जो घोंसले होते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो 4 मीटर गहरे और 7.5 मीटर लंबे होते हैं। तो ये साउथ अफ्रीकन होते हैं। सॉरी माय डियर स्टूडेंट, साउथ अफ्रीकन इधर लिखा हुआ है, माय मिस्टेक। सो मूविंग ऑन द सेकेंड टॉप पॉइंट, द लॉन्गेस्ट लिविंग कैप्टिव बर्ड्स आर द सल्फर क्रेस्टेड कॉकटूट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देयर एज गोज अप टू 80 ईयर्स। तो ये जो लॉन्गेस्ट लिविंग, सबसे ज़्यादा जीने वाले बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, ये कौन होते हैं? सल्फर क्रेस्टेड कॉकटूट्स इनको बोला जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये कम से कम एज गोज अप 80 ईयर्स, इनकी एज कम से कम 80 साल तक होती है माय डियर स्टूडेंट, और ये सल्फर क्रेस्टेड कॉकटूट्स होते हैं। थर्ड पर चलते हैं, द कीन आइड पेरेगाइन फॉल्कन कैन स्पॉट अ पिजन विच इज 8 km अवे। जो ये होते हैं पेरागाइन फॉल्कन होते हैं, ये माय डियर स्टूडेंट कबूतर के आँख वाले, इनकी तीक्ष्ण आँख होती है, काफ़ी तेज़ी से देखने वाली आँख होती है, और ये कम से कम 8 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। तो ये पीजन की तरह, कबूतर की तरह काफ़ी इनकी मतलब आँखें होती हैं, काफ़ी तेज़ नज़र वाली होती हैं, ये कम से कम 8 किलोमीटर दूरी तक देख सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट, द ओल्डेस्ट नोन बर्ड वॉज अ साइबेरियन रेड क्रेन दैट डाइड इन 1988 एज 82 ईयर्स। जो सबसे ओल्डेस्ट पुरानी बर्ड्स जानी जाती है वो कौन होती है, होती थी माई डियर स्टूडेंट, साइबेरियन रेड क्रेन होती थी, जिनकी मृत्यु जो है 1988 में हो गई थी, और ये कितने साल की थी? 82 ईयर्स की थी माई डियर स्टूडेंट। तो ये कौन थी? साइबेरियन रेड क्रेन, ये सबसे पुरानी पक्षी के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इंसेक्ट इज द जायंट स्टिक इंसेक्ट्स ऑफ इंडोनेशिया विच ग्रोज अप टू अ लेंथ ऑफ 33 सेंटीमीटर। जो लॉन्गेस्ट संसार की सबसे बड़ी लंबी इंसेक्ट्स कीड़ी जो होती थी माय डियर स्टूडेंट, वो जायंट स्टिक होती थी। ये इंसेक्ट्स इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, और जो 33 सेंटीमीटर की लंबाई से बढ़ती थी माय डियर स्टूडेंट, ये जायंट स्टिक होती, वर्ल्ड की सबसे लंबी इंसेक्ट होती थी। सो नेक्स्ट पर चलते हैं, द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट इंसेक्ट इज़ द फेरी फ्लाई। जो सबसे संसार की सबसे छोटी इंसेक्ट्स होती थी वो फेरी फ्लाई होती थी माय डियर स्टूडेंट। इट इज़ जस्ट 0.2 mm लॉन्ग। ये कितनी लंबी होती थी? सिर्फ मात्र 0.2 mm। नेक्स्ट पर चलते हैं, एन आंट कैन लिफ्ट 50 times इट्स ओन वेट विच इज़ लाइक यू लिफ्ट अ लॉरी। ये जो आंट होती हैं, जो चींटियां होती हैं, ये 50 गुना अपनी वेट से 50 गुना वेट रख लेती हैं, रख सकती हैं, उठा सकती हैं, ऐसा कर सकिए आप। विच इज़ लाइक यू लिफ्ट अ लॉरी, जितना आप लॉरी एक गाड़ी होती है, लॉरी एक गाड़ी होती है जो जितना वेट उठा सकती है, उतना चींटी जो है अपनी वेट का 50 गुना उठा सकती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, राइनो एंड हिप्पोपोटामस आर द सेकेंड हैवीएस्ट लैंड मैमल्स आफ्टर द एलिफेंट्स। एन अफ्रीकन वाइट राइनो ऑकर्स वेट अप टू 9 टन्स। जो राइनो और हिप्पोपोटामस होते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये सेकेंड हैवीएस्ट लैंड एनिमल्स होते हैं एलिफेंट के बाद, यानी हाथी के बाद हिप्पोपोटामस और राइनो ये सेकेंड हैवीएस्ट माने भारी प्राणी होते हैं जमीन के, और इनका वेट कम से कम, राइनो ऑकर्स जो अफ्रीकन सफ़ेद राइनो ऑकर्स होते हैं, इनका वेट कम से कम 9 टन होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एलिफेंट्स ईट अप टू
250 केजी ऑफ फूड पर डे। जो हाथी होते हैं वो कम से कम 250 किलोग्राम भोजन जो है एक दिन में खा सकते हैं। दे आल्सो ड्रिंक अबाउट 180 लीटर्स ऑफ वाटर, और ये कम से कम 180 लीटर वाटर एक दिन में पी भी सकते हैं। पानी ये जो है 180 लीटर वाटर पी सकते हैं, और ये 250 ग्राम फूड एक दिन में खा सकते हैं। द लार्जेस्ट बियर इज़ द कोडियाक, अ टाइप ऑफ ब्राउन बियर फ्रॉम अलेस्का, विच मेजर्स अप टू 2.5 मीटर एंड वेट अप टू 780 केजी। तो जो लार्जेस्ट बियर होता है वो कोडियाक होता है माय डियर स्टूडेंट, जिसको भूरे ब्राउन माने भूरे भालू के नाम से भी जाना जाता है, जो अलेस्का में पाए जाते हैं। और इनकी माप अगर की जाए तो ये 2.5 मीटर होते हैं लंबे, मतलब इनकी माप जो है वो 2.5 मीटर होती है, और इनका वेट जो है वो 780 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। द स्मॉलेस्ट फिश आर डार्क गोवीज, दे कैन बी एज स्मॉल एज 9 मिलीमीटर्स। जो स्मॉलेस्ट फिश होती है माय डियर स्टूडेंट वो डार्क गोवीज होती हैं, और ये कम से कम 9 मिलीमीटर्स तक छोटे हो सकते हैं, 9 मिलीमीटर्स तक काफ़ी छोटे हो सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। काउट प्रोड्यूस अराउंड 16 लीटर ऑफ मिल्क अ डे। जो गाय होती हैं वो कम से कम 16 लीटर मिल्क एक दिन में प्रोड्यूस कर सकती हैं, दे सकती हैं, और 6,000 लीटर्स अ ईयर, और एक साल में 6,000 लीटर दे सकती हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। तुर्की हेंस ले अबाउट 12 एग्स इन ए ईयर। जो तुर्की जो हैन माने क्या होता है, मुर्गी जो होती है वो, जो तुर्किस्तान की मुर्गियां होती हैं वो कम से कम 12 अंडे एक साल में रखती हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। बिकॉज बैम्बू हैज सच ए लो न्यूट्रिशनल वैल्यू, पांडाज में ईट अप टू 15 केजी ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स इन ए सिंगल डे। क्योंकि बम्बू जो है वो सच में लो न्यूट्रिशन इनकी वैल्यू होती है, इनको पोषण वैल्यू जो होती है वो काफ़ी कम होती है माय डियर स्टूडेंट। बैम्बू के पास इनकी पोषण वैल्यू काफ़ी कम होती है। जो पंडा होते हैं वो माय डियर स्टूडेंट वो कम से वो बैम्बू की पत्तियां ही खाते हैं, और वो कम से कम 15 केजी के तने और इनकी पत्तियां एक दिन में खा सकते हैं। किसकी, बैम्बू के। बैम्बू माने बाँस होता है माय डियर स्टूडेंट। सो नेक्स्ट पर चलते हैं। द स्मॉलेस्ट डॉग इज़ द मिनिएचर यॉर्कशायर टेरियर, इट्स वेट लेस देन 500 ग्राम। जो स्मॉलेस्ट डॉग होता है, सबसे छोटा डॉग होता है, वो यॉर्कशायर टेरियर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, का वेट कम से कम 5 ग्राम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। द हैवीएस्ट डॉग इज संत बेनार्ड, इट वेट्स रीचेस अप टू 9 केजी। जो हैवीएस्ट सबसे भारी कुत्ता होता है वो संत बेनार्ड होता है माय डियर स्टूडेंट्स, और इनका वेट कम से कम कहाँ तक पहुँच सकता है, 90 किलोग्राम तक हो सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कैट्स में लिव अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स। जो बिल्लियाँ होती हैं वो कम से कम 20 साल तक जीवित रह सकती हैं। तो यहाँ पर आपने कुछ अमेजिंग फैक्ट्स पढ़े माय डियर स्टूडेंट, और नीचे कुछ पक्षियों के या जानवरों के चित्र भी इधर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपने बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत जानकारी वाला, जानकारी रोचक चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट। तो आप इनको एक बार ज़रूर दोहराइए, अगर कोई भी दिक्कत हो रही तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम फिर से आपको ये चैप्टर पढ़ा देंगे। लेकिन आप पढ़िए ज़रूर माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये बहुत अच्छा समय है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप पढ़ करके अपने आप को प्रूव करिए, अच्छा प्रूव करिए, अच्छा साबित करिए। तो माय डियर स्टूडेंट आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए, टेस्ट में अच्छा मार्क्स पाइए। सो टिल देन टेक केयर।